क्या कह रहा है? पैसे नहीं तेरे पास? नहीं साहब। साहब छोड़ दो, छोड़ दो आज, साहब दर्द हो रहा है बहुत। साहब साहब छोड़ दो प्लीज। साहब साले यहाँ लगा के बैठा, तेरे पास पैसे नहीं है? साहब दर्द हो रहा है। साहब साहब मैं देखता हूँ कैसे नहीं देगा पैसे तू। साहब प्लीज प्लीज साहब, पैर पकड़ कर मैं आपके साथ छोड़ दो प्लीज। बोल अब देगा हफ्ता? साहब प्लीज छोड़ दो साहब, कल मैं हफ्ता दे दूँगा साहब प्लीज। छोड़ दो साहब, ये ले लो। हाँ भाई चल हफ्ता निकाल। हफ्ता? कैसा हफ्ता साहब? जो तू ये यहाँ लगा कर बैठा है इस चीज का हफ्ता। लेकिन साहब आप हो कौन? मैं यहाँ का म्युनिसिपल ऑफिसर हूँ। परमिशन है तेरे पास ये सब लगाने की यहाँ पर? साले दो मिनट नहीं लगेंगी, तेरा सामान सारा उठा के फेंकवा दूंगा। चल 2000 का हफ्ता निकाल जल्दी से। साहब मैं हफ्ता तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसे तो नहीं है। क्या कह रहा है? पैसे नहीं तेरे पास? नहीं साहब। साहब छोड़ दो आज, छोड़ दो आज, साहब दर्द हो रहा है बहुत। साहब साहब छोड़ दो प्लीज। साले यहाँ लगा के बैठा, तेरे पास पैसे नहीं है? साहब दर्द हो रहा है। साहब साहब मैं देखता हूँ कैसे नहीं देगा पैसे तू। साहब प्लीज प्लीज साहब, पैर पकड़ कर मैं आपके साथ छोड़ दो प्लीज। बोल अब देगा हफ्ता? साहब प्लीज छोड़ दो साहब, कल मैं हफ्ता दे दूँगा साहब प्लीज। छोड़ दो। साहब मैं कल आपको हफ्ता दे दूंगा साहब। अगर कल हफ्ता नहीं मिला ना, सारा सामान उठा के फेंक दूंगा, बैठ भी नहीं पाएगा यहाँ पर। चल भाई पैसे निकाल। साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या बोला? पैसे नहीं तेरे पास? अब तूने कल बोला था ना कि आज देगा। साहब क्या करूं, इतनी बिक्री नहीं हुई कि मैं आपको 2000 रुपये दे सकूं। तू ऐसे नहीं मानेगा। साहब मेरे मेरे दिए साहब दिए साहब साहब मेरे दिए साहब प्लीज। पैसे देगा? साहब पैसे नहीं है मेरे पास। दुकान लगाने नहीं वाली? साहब पैसे नहीं है मेरे पास। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी दुकान ही बंद कर दूंगा आज। नहीं साहब नहीं, नहीं साहब मेरे दिए साहब मेरे दिए नहीं। ये सब उठाओ, निकल यहाँ से, देख मत जियो आज पास यहाँ पर। सर ये म्यूनसिपल ऑफिस है ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? सर वो एक्चुअली मैं ना रोड पे दिए लगाता हूँ, वहाँ पे आप ही का ऑफिस का कोई बंदा आया, उसने मेरे सारे दिए तोड़ दिए, मेरी दुकान तोड़ दी साहब, मेरा बहुत नुकसान हो गया साहब, मुझे मैडम से मिलवा दीजिए। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ यार, चलो अंदर मैं कमिश्नर मैडम से मिलवाता हूँ। ठीक है साहब आओ। मैम मैं आ सकता हूँ? आइए। हाँ जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? मैम मेरी एक दीदी की छोटी सी दुकान है, रोड पे लगा दो मैडम, आपके ऑफिस का एक बंदा आया और मेरी दुकान को तोड़ के चला गया। निकल यहाँ से, ये सब उठाओ, निकल यहाँ से, और देख मत जियो आज पास यहाँ पर। क्योंकि मैंने उनको 2000 रुपये नहीं दिए थे मैम। मैम हाथ जोड़ के बिनती है मेरी आपसे, प्लीज़ मैम ये दुकान बचा दीजिए मैम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैम, वो भूखे मर जाएंगे। अच्छा क्या आपको उनका नाम पता है? हाँ मैम, शायद उनका नाम हर्ष है।
ठीक है अभी मैं कुछ करती हूँ। यस मैम। हर्ष को बुलाना जरा। ओके मैम। यस मैम, आपने बुलाया? हाँ हर्ष, बुलाया तो था। ये बताओ कितना हफ्ता है इस बार? हफ्ता मैम? हाँ हफ्ता। अरे बताओ भाई, मुझे पता है हफ्ता आता है, तुम लोग जाके कलेक्ट करते हो, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है मेरे पास। नहीं नहीं मैम, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी आपको। अरे मैं बोल रही हूँ ना, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, सीधे तरीके से बता दो भाई, मेरा भी तो कुछ शेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलो ये सब छोड़ो, इन्हें तो तुम जानते ही होगे, इनके तो तुमने हफ्ता भी उठाया है। अबे तू, इन्हें ये लगता है हम इनकी मदद करेंगे और अपने ही स्टाफ के खिलाफ जाएंगे, समझाओ जरा इन्हें। अभी समझा देते मैम। साले, इसे 2000 रुपए का हफ्ता मांगा, तुझ पे दिया नहीं गया, काम धंधा तेरे पे कोई छोटा नहीं, और तू यहाँ मेरी शिकायत लेके आ गया, ये तो अभी बताता हूँ। अरे रुको हर्ष, मैं ऐसे करती हूँ। तुम्हें क्या लग रहा था मैं इसे मारूंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई किसी गरीब से पैसे मांगने की? तुम्हें पता भी है इनकी दिन की कमाई कितनी होती है? जितनी कमाई होती है वही तुम ले लोगे तो ये खाएंगे क्या? तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से अच्छे ऑफिसर भी बदनाम होते हैं। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें सस्पेंड करती हूँ, और दोबारा मुझे शक्ल मत दिखा देना अपनी, जाओ यहाँ से। मैडम अभी सही नहीं कर रही हो, आपको पता नहीं है मेरी पहुँच कहाँ तक है। हाँ हाँ ठीक है, जो करना है कर लेना, अभी जाओ यहाँ से। देख लेना मैडम। हाँ हाँ निकल। सॉरी सर, मैं अपने स्टाफ की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और आपका जहाँ भी मन करे आप अपना ठिया लगा सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप प्लीज़ मुझे याद करिएगा, और जाते हुए पेयॉन से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर ले लीजिएगा। धन्यवाद मैडम मेरी मदद करने के लिए।